प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ये मुलाकात की। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गवर्नर साहब को हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेज आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेज हैं, जिससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आढ़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको उनको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा, और जो पैसे वाला नाट होगा वो उसको होल्ड करेगा तो महंगी होगा उसके बेचेगा। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का आप चलते हो, तो सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की गठबंधन सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो किसान हितेशी नहीं है, जो कि किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है। किसान हितेशी होते ही ये तो जो अकाली एसएडी क्यों विड्रॉ करती, मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले सबको मालूम है। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ेंगे। जब ये कोरोना का से वो हो जाएगा, उसमें वहीं पीपली से आंदोलन शुरू करेंगे और मजबूर करेंगे इसको वापस लेने में। और यहाँ हुड्डा ने सरकार से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि मंडी के बाहर बिकने वाली फसल की एमएसपी का क्या होगा और सरकार मंडी से बाहर खरीद पर एमएसपी मिलने का भरोसा दे। हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं, और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है एमएसपी का सिस्टम लागू रहेगा, एमएसपी का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेंगे, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उपेंद्र हुड्डा तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार को आड़े हाथों लिया। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद कांग्रेस किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करेगी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।